सेट पे चलते हैं। अब थ्योरम जो है फोर्थ सेट पे बेस्ड होगा। तो पहले कुछ छोटे छोटे थ्योरम एक दो मैं करवा देता हूँ, है ना। कभी 60 क्वेश्चन रिटर्न में आता है तो ऐसे पूछे जाते हैं, और चूंकि आप लोगों को भी स्टेटमेंट सब पता होना चाहिए, पता है आप लोगों को दिखे। इसे देखिए क्वेश्चन, शो डैट एवरी क्लोज इंटरवल, सॉरी शो डैट एवरी सिंगलटन सेट, शो डैट एवरी सिंगलटन सेट इन कैपिटल आर, एवरी सिंगलटन सेट इन कैपिटल आर इज क्लोज्ड फॉर द यूजुअल मैट्रिक डी, फॉर द यूजुअल मैट्रिक डी फॉर कैपिटल आर, फॉर द यूजुअल मैट्रिक डी फॉर कैपिटल आर, फॉर द यूजुअल मैट्रिक डी फॉर कैपिटल आर। ठीक है, आपको ये दिखाना है बेटा कि जो ए इज इक्वल टू सिंगलटन ए जो हमारा सेट होगा, इसको दिखाना है कि ये क्लोज्ड है ना। और हमको पता है क्लोज का जो अपने डिफिनेशन आपको मैंने दिखाया हुआ है, क्या लिखवाया क्लोज का डिफिनेशन, कि जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो उसे हम क्लोज्ड कर दें। सिंपल तरीका ये है ना कि ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो उसे क्लोज्ड कर दें। तो अगर मुझे दिखाना है कि ये क्लोज्ड है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन आपको शो करके दिखाना होगा, है ना। तो सिंस ए इक्वल टू इतना बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आर माइनस, तो हम लोग निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, जो कि एक्स माइनस का ए होगा, मतलब कि यूजुअल मैट्रिक है तो आर माइनस का ए होगा, है ना। आर माइनस का ए मतलब आर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, और ये सिंगलटन ए। अब इसको लिखना है, ये मैं बताया अभी था आप लोगों को, जब क्लोज बताया था उससे समझा रहा। अब इसको क्या लिखना पता है, अब इसको कैसे इसको मैनेज करेंगे। अब हमारा जो सेट है उसमें माइनस से इनफिनिटी से इनफिनिटी तक सब है, उसमें सब है, बस ए नहीं है। इसमें कैसे दिखाएंगे, माइनस इनफिनिटी है ना, ए यूनियन ए से इनफिनिटी, ये मतलब भी वही हो गया कि हमारे पास माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक सब है लेकिन बस ए नहीं है। बस हमारी वही बात होगी, लेकिन अब हम जानते हैं अब यहाँ पे क्या है। तो सिंस माइनस इन्फिटी का मा ए एंड ए का मा इन्फिटी, ये कैसे सेट हैं, आर ओपन सेट, ये सब ओपन सेट हैं, ये ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, यू नो दैट ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। एंड अभी आप जस्ट पढ़े है ना, वी नो दैट, आप ये जानते हो, वी नो दैट द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आर्बिट्रेरी मतलब कोई कितना भी ले लो, जानते दोनों का भी यूनियन आपका ओपन ही होगा। वी नो दैट यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। हेंस जब ऐसी बात आप जानते हो तो हेंस माइनस इन्फिनिटी का मा ए और यूनियन ए का मा इन्फिनिटी इज एन ओपन सेट, तो ये ओपन सेट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये ओपन सेट हो गया। ऐसा मतलब डेट इज ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश ओपन हो गया, ये उसी के ना बराबर था, इज एन ओपन सेट। अब जब ये ओपन सेट हो गया, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो विच इंप्लाइज ए इज क्लोज्ड, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है वो सेट क्या होता है, क्लोज होता है, दैट इज सिंगलटन ए इज क्लोज्ड। वैसे ही पता है भैया, सिंगलटन ए फाइनाइट सेट कभी भी ओपन नहीं होता, तो जो ओपन नहीं होगा वो क्लोज्ड होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, नोट कर लीजिए। लेकिन दिखाने का तरीका जैसे वाली रिटर्न कहीं लिखना हो तो इस तरीके से दिखाते हैं। मेन समस्या ये होती है कि बहुत कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं कि हाँ ये होता है, बट जब बात आती है कि उसको दिखाइए, आप कुछ लिख के दिखाइए उसको, तब हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, शो डैट एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज अ क्लोज्ड सेट फॉर द यूजुअल मैट्रिक फॉर कैपिटल आर, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज अ क्लोज्ड सेट
फॉर द यूजुअल मैट्रिक फॉर कैपिटल आर, फॉर द यूजुअल मैट्रिक फॉर कैपिटल आर। आइए इसको दिखाते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल है अभी। अब इसमें बोला है कि कोई भी क्लोज इंटरवल जो होता है वो क्लोज सेट होता है, तो क्या बहुत सिंपल है भाई। अब अगर क्लोज सेट तो मेरे को सही जो कम्प्लीमेंट होगा ओपन होगा, तो एक कम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। एक कम्प्लीमेंट मतलब कि चूंकि यूजुअल मैट्रिक स्पेस है तो आर माइनस का क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब आर माइनस का ए लिख देता हूँ मैं। आर माइनस का ए मतलब है ना माइनस का इन्फिटी कमा इन्फिटी माइनस क्लोज इंटरवल ए कमा बी। ऐसे कैसे दिखाएंगे, मतलब इसमें सभी एलिमेंट होंगे बस, लेकिन ए से लेके बी तक नहीं होंगे। इसमें लिखेंगे माइनस इन्फिटी ओपन इंटरवल ओपन ही रहेगा और यूनियन बी है ना क्लोज रहेगा, क्लोज क्यों रहेगा भाई, क्लोज रहेगा तो बी आ जाएगा उसमें, लेकिन बी नहीं आना चाहिए। ए से लेके बी तक कुछ नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा। माइनस इन्फिटी से लेके ए तक, ए के अंदर तक सब है और बी से ज़्यादा और इन्फिटी तक सब कुछ है यहाँ पे। तो देखो ए क्या है, मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, ए क्या है ओपन सेट, ए भी क्या है ओपन सेट, क्योंकि ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं और यूनियन भी होता है ओपन सेट, तो ये क्या हो जाएगा ओपन सेट। क्लियर है ना, ये ओपन सेट हो गया। जब ये ओपन सेट हो गया, ए का कम्प्लीमेंट ओपन हो गया, विच इम्प्लाइज ए इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड, बहुत ही सिंपल, दैट इज क्लोज इंटरवल ए बी इज क्लोज्ड। ये तो पता ही है आप लोगों को, उसमें क्या छिपाना है। ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है। अगर सेमी ओपन सेमी क्लोज रहे तब तो ना ओपन होगा ना क्लोज होगा, याद रखेंगे आप लोग। इसको बता देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन है कंसीडर द यूजुअल मैट्रिक, क्वेश्चन है आपका कंसीडर यूजुअल मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस का वाई फॉर कैपिटल आर एंड फाइंड विदर, एंड फाइंड विदर आर नॉट, आर नॉट फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ कैपिटल आर आर नेबरहुड ऑफ, नेबरहुड्स ऑफ वन, एन एच डी लिखा है नेबरहुड्स ऑफ वन। फर्स्ट ओपन इंटरवल 0,2 ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब एक ही होता है। सेकेंड सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल 0,2। थर्ड क्लोज इंटरवल 1,2। फोर्थ सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल 1,2। फिफ्थ सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल 1,2। सिक्स्थ क्लोज इंटरवल 0,2 माइनस का 1:1/2, सॉरी 1 है ना, हाँ 1:1/2 मतलब 3/2। सेवेंथ क्लोज इंटरवल 0,2 और माइनस का 1/2। एट आर आपको इसमें ये बताना है कि मैट्रिक स्पेस डिफाइंड है, यूजुअल मैट्रिक है डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, क्या इसमें कौन सा सेट वन का नेबरहुड होगा ये बोलना है, पता ही आप लोगों को है ना। इसमें से वही सेट वन का नेबरहुड होगा है ना, वही सेट वन का नेबरहुड होगा जिस जिसमें वन के अबाउट कम से कम कोई एक स्फीयर ऐसा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सच दैट दैट स्फीयर कंटेन्स वन एंड कंटेनिंग सेट, मतलब एक ऐसा ओपन स्फीयर अगर ऐसा मिल जाता है जो वन को अपने अंदर कंटेन करे, खुद सेट के अंदर कंटेन हो, तो वह सेट उसका नेबरहुड बन जाएगा। जैसे अगर कोई सेट ए है, ए वन का नेबरहुड तभी होगा जब वन के अबाउट एक ऐसा स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए जो वन को तो कंटेन करे और ए के अंदर कंटेन हो,
ऐसा होता है देन ए इज द नेबरहुड ऑफ वन, तो यही देखना है आपको सब में। जैसे पहले में अभी बात करें हम, ठीक है, सब आपको आना चाहिए, ये सब सामान्य सी चीज़ है सिंपल कैलकुलेशन वाली। अभी ओपन इंटरवल 0.2 है, ओपन इंटरवल 0.2 है, अब इसको देखना है क्या ये वन का नेबरहुड होगा कि नहीं। सोचिए वन का ये नेबरहुड है कि नहीं, वन का नेबरहुड, ये नेबरहुड वन का है कि नहीं है। तो क्या वन के अबाउट, अब खुद से सोचिए, क्या वन के अबाउट ऐसा कोई स्फीयर खींच सकते हैं जो वन को अपने अंदर कंटेन करे, है ना, और खुद इसके अंदर कंटेन्ड हो। बोलिए, नेबरहुड में तो यही होता है ना, देयर एग्जिस्ट होता है, सबकी बात नहीं होती है, देयर एग्जिस्ट। अरे क्या ऐसा है कोई, बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे भाई। जैसे वन इज कंटेन्ड इन, मैं लिख दे रहा हूँ बिलोंग्स, वन बिलोंग्स टू, मैं स्फीयर ऐसा ले लेता हूँ, है ना, 0.5 रेडियस का ले लेता हूँ, और ये वन सेंटर हो गया, ये कंटेन कर जाएगा 0.2 के अंदर, कंटेन करेगा नहीं कंटेन करेगा, देखो यहाँ पे वन बिलोंग्स टू, ये क्या है इसका मतलब क्या, समझते हो, वन माइनस 0.5 तब वन प्लस 0.5 मतलब 0.5 1.5 ये कंटेन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा एक स्फीयर मिल जाए जो वन को कंटेन करे, खुद इसके अंदर कंटेन, ऐसा कोई एक भी स्फीयर ऐसा मिल गया तो नेबरहुड हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि 0.2 इज द नेबरहुड ऑफ वन, ये है, हो गया काम खत्म। ऐसे खोजना है आपको सब, ठीक है। दूसरे की बात करें, यहाँ भी हो जाएगा। अब भाई इसमें क्या फर्क पड़ता है, जब हमारा यहीं तक पहुँच ही रहा है, ऐसे एक तो मैं 0.5 लिया ना, आप 0.1 लेते, 0.01 ले लो, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे, एक को नहीं बहुत से मिल जाएंगे, एक नहीं बहुत से मिल जाएंगे, ये भी हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला भी नेबरहुड हो जाएगा, ये भी नेबरहुड हो जाएगा वन का, और ये भी वन का नेबरहुड हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, ए नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अब वन को कंटेन करने वाला कोई भी स्फीयर खींचोगे तो वन से थोड़ा लेस थोड़ा ज्यादा तो होगा ना, कितना भी छोटा सा छोटा रेडियस क्यों ना ले लो आप, कितना भी छोटा छोटा रेडियस क्यों ना ले लो, लेकिन जब भी वन में से घटाओगे तो एक से घट जाएगा। अब जब एक से घट जाएगा तो उस पॉइंट पे एक से घटने के बाद जो आएगा, मान लीजिए एक से घटने के बाद आ गया 0.99999, मान लो 1,000,000 आ गया नाइन, है ना, एक से कम मतलब बहुत थोड़ा सा कम, तो उस पॉइंट में और एक के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर, कभी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर, रियल नंबर के बीच में। अब वो पॉइंट क्या इसमें आ जाएंगे, क्या एक से छोटा कोई पॉइंट इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही बोल दे रहा, बता दे रहा हूँ कन्फर्म ना, यहाँ इसलिए लिखेंगे आप लोग कि देयर एग्जिस्ट नो ओपन स्फीयर, कोई ओपन स्फीयर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो ओपन स्फीयर सच दैट वन इज कंटेन्ड इन दैट ओपन स्फीयर SR1 एंड विच इज कंटेन्ड इन 1.2, है ना, ऐसा कोई ओपन स्फीयर नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो इस तरह की कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है, ऐसा, तो ये नहीं होगा भैया। ए भी होगा क्या, ए भी नहीं होगा कि होगा, होगा कि नहीं होगा, सही से बताइएगा, है ना, इसमें वन नहीं है, है ना, जब वन खुदे नहीं है तो वन को सेंटर मान के खींचते हैं, तो कहाँ कंटेन हो पाएगा, है ना, तो वही पे खत्म हो जाएगा, ए नहीं होगा, तीसरा चौथा नहीं होगा, पहला दूसरा तो हो गया, रुक जाए, धैर्य रखिए, है ना, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, हम जो जानते हैं उस पर जानते हैं। पांचवा देखिए, इसमें बताइए ये होगा कि नहीं होगा, पांचवा वाला बोलिए, नहीं होगा, वन की बात है तो वन इससे भी नहीं आएगा। अब यहाँ आ जाओ, है ना, इसमें सभी हैं, बस 3/2 नहीं है, तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि वन के बाद कोई स्फीयर खींच सकते हो जो इसके अंदर पूरा कंटेन कर जाए, है ना, क्या कर ले मालूम, ऐसा कर ले जो है वन बिलोंग्स टू, हम ले लेते हैं 0.1 रेडियस का, बोलो हो जाएगा 0.1 रेडियस का कर लेते हैं, ये कंटेन हो जाएगा, बोलो भाई 3/2 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ को हो जाएगा वन बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये 0.9 और 1.1, ये बताओ इसके अंदर कंटेन नहीं होगा इस वाले के अंदर,
इसके अंदर सब है भाई, 0.9 से लेके 1.1 तक सब आएगा, बस भाई 1.5 नहीं है इसमें। तो क्या 1.5 इसमें कहीं दिख रहा है क्या? इसमें नहीं आएगा, इसमें पूरा इसके अंदर कंटेंट है। तो ये भी होगा भैया, हाँ ठीक है बराबर, ये भी है ना, ये भी है। इसकी बात करें ये भी हो जाएगा, तो खाली तीसरा चौथा और पांचवा नहीं होगा और सब होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं मास्टर की क्या समस्या आ रही है इसमें। पहला है, ठीक है, करेक्ट है, हाँ यस। दूसरा भी यस है, करेक्ट है। तीसरा नो है, चौथा भी नो है, पांचवा भी नो है, ठीक है भाई। और छठा यस है, सातवां यस है, और एक जो आर है तो यस ही है, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। आर तो है ना, तो अपने हर एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट का होता है, ठीक है। तो क्या दिक्कत जी, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा नहीं नहीं तो अच्छा, फोर में सेमी ओपन सेमी क्लोज है, इसने दोनों को ओपन कर दिया है, मैंने तो उससे मिस प्रिंट है, उससे भी अफेक्ट करता है। हमारा रिजल्ट तो सही है ना, समझ में आ गई बात ना आप लोगों को? ये सब आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग बहुत तेज हैं, आप लोगों को दौड़ा के कर लेना चाहिए सब। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आप कर लेंगे। जिस प्रकार से ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, ठीक उसी प्रकार से क्लोज स्फीयर क्लोज सेट होता है।